पॉलिसी के माध्यम से अब बीएड भी उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, वो जेपीटी के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, वो भी काउंसलिंग के लिए आगे आ रहे हैं। और अब ये मैटर, ये जो मामला जिसके बारे में आपने बात रखी है, ये कोर्ट में भी है, लेकिन जो वर्तमान की व्यवस्था है वो मैं समझता हूँ उसकी काउंसलिंग आपकी चली है और उसमें आपके जिन्होंने बीएड क्वालिफाई किया है वो भी उसके लिए एलिजिबल है। ये मांगों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है, पर साथ ही साथ हमारी जो जवाबदेही है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनडेफिनेटली आपके कोर्ट के ऑर्डर कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तब तक हम अपने स्कूलों को भी खाली नहीं रख सकते हैं। आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया वो चली रहेगी और जैसे ही आपके ये कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा उनके पक्ष का, तो निश्चित रूप से सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। एजुकेशन विभाग की बात थी, उसमें भी बहुत सी ऐसी पहल की गई कि जो एक अंतर आपका प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच है उस गैप को फिलअप किया जाए। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इसके माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 5 वर्षों में आपके अच्छे स्कूल्स होंगे, स्टेट ऑफ आर्ट ये आपकी एजुकेशन स्कूल्स आपके हर विधानसभा क्षेत्र में आए, और जो एक अंतर बीच में आ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो इसको फिलअप किया जाए। साथ ही साथ आपके और भी हमारे जो अतिरिक्त, मैं समझता हूँ क्योंकि क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, जहाँ पर आपके जॉब बेस्ड जिसके माध्यम से आपके पास ज़्यादा जॉब पोटेंशियल है, ऐसे आपके कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे। उदाहरण के तौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे रोबोटिक्स की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से कोई 10 से अधिक आपके कोर्सेज आपके इसी सत्र में प्रारंभ किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारे को, मैं समझता हूँ, लेटेस्ट जो आपके कोर्सेज पूरे भारतवर्ष में या विश्व में भी चले हैं उसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।